एक सक्सेसफुल इंसान बनने या ज़िंदगी को बेहतर ढंग से बनाने का यह सवाल एक विद्यार्थी के मन में हमेशा रहता है, और बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखने के लिए आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स पॉलिटेक्निक करने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि पॉलिटेक्निक वालों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और बात ऐसी है कि स्टूडेंट्स के मन में पॉलिटेक्निक का नाम सुनते ही बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटेक्निक, इस कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है, इस कोर्स में कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए और एडमिशन कैसे लेना होगा और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जिसे करने के बाद आप आसानी से अपने इंटरेस्ट के फील्ड में पढ़ाई करके जॉब कर सकते हैं, लेकिन इस कोर्स में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है। इसके लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए, तभी आप इस पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक कैसे करें, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए पॉलिटेक्निक कोर्स कितने साल का होता है, इस कोर्स को करने के बाद किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं और पॉलिटेक्निक का मतलब क्या होता है, फ़ीस कितनी देनी होगी और इसके करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए, इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे हमारे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और अब जानेंगे कि पॉलिटेक्निक क्या है और इसकी पूरी जानकारी। पॉलिटेक्निक दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया शब्द है, पॉली प्लस टेक्निक, इन दो शब्दों से मिलने से बना एक पॉलिटेक्निक। और पॉलिटेक्निक का मतलब है बहुत सारी कलाओं का संस्थान, और आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा संस्थान जहां पर अलग अलग कलाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। पॉलिटेक्निक एक ऐसा स्थान है जहां पर विद्यार्थी इंजीनियर बनने के लिए आता है, और इंजीनियर बनने की पहली सीढ़ी ही पॉलिटेक्निक होता है। पॉलिटेक्निक कैसे करें, पॉलिटेक्निक करने के लिए एक प्रक्रिया बनाई गई है जिससे आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने से पहले आपको 10वीं कक्षा पास करना अनिवार्य है या प्लस टू करना अनिवार्य है, लेकिन अगर 10वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद आपको पॉलिटेक्निक के लिए होने वाले टेस्ट की तैयारी करनी होगी। इस टेस्ट का नाम होता है CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जो भी विद्यार्थी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहता है उसे पहले इस टेस्ट को पास करना होता है। अगर आप इस टेस्ट में अच्छे अंकों से पास होते हैं तो आपको सरकारी संस्थान एडमिशन आसानी से मिल सकता है, अदरवाइज आपको प्राइवेट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना होगा। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद आपको एडमिशन पॉलिटेक्निक में हो जाएगा। प्लस टू के बाद पॉलिटेक्निक कैसे करें, अगर आप 12वीं कक्षा के छात्र या छात्रा हैं तो आप 12वीं कक्षा के बाद में पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होगी कि आपको 12वीं कक्षा में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में 12वीं कक्षा पास करने के बाद आप पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर सकते हैं, और आपको एडमिशन सीधे दूसरे साल में हो जाएगा, जिससे आपको डिप्लोमा 2 साल का ही करना पड़ेगा। पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या करें, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या करें। तो यह बात पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले देखें कि पॉलिटेक्निक के बाद जॉब करना चाहते हैं या पॉलिटेक्निक के बाद आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको नौकरी भी मिल सकती है। अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद में भी आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक के बाद में उसी शाखा में डिग्री भी कर सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल शाखा में अपना डिप्लोमा किया है तो आप इलेक्ट्रिकल शाखा से ही बीटेक की डिग्री हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद में एमटेक भी कर सकते हैं। एमटेक करने के बाद में या बीटेक करने के बाद में आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी जिससे आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के फायदे, पॉलिटेक्निक्स आप सीधा 10वीं या 12वीं के बाद कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में आपको प्रैक्टिकल के तरीके से सिखाया जाता है। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के बाद आप सीधा इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक के बाद जॉब, पॉलिटेक्निक करने के बाद आप नौकरी भी पा सकते हैं। इसके लिए आप प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं अगर आपने किसी भी अच्छी शाखा में अपने डिप्लोमा को पूरा किया है, जैसे कि कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल जैसी शाखाएं। डिप्लोमा करने के बाद आपके नौकरी के विकल्प बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि अगर आपने मैकेनिकल ब्रांच से डिप्लोमा पूरा किया है तो आपको रेलवे विभाग में या किसी अन्य विभाग में नौकरी मिल जाएगी, या किसी भी मशीन बनाने वाली कंपनी में बड़ी अच्छी से नौकरी पा सकते हैं। और इसी प्रकार अगर आप कंप्यूटर ब्रांच से अपना डिप्लोमा पूरा करेंगे तो आपके कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारी जॉब मिल जाएंगी, जैसे कि डाटा एंट्री, डेट एनालिटिक्स इत्यादि। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पॉलिटेक्निक के बाद में जो पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या करें, भी व्हाट इज पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक कोर्स का मतलब, पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक, इसके बारे में सब कुछ बताया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद।